नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास फेटेवाले अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि घर में थोड़ा कनेक्शन चेंज करने से किस तरह से आपके पैसे सेव हो सकते हैं और किस तरह से आप वायर की भी बचत कर सकते हैं और पैसे की बचत हो सकती है। दोस्तों, ये 100% ट्रिक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें करके बताऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा कि सच में इसमें पैसे बचते कि नहीं बचते हैं। तो ये 2A स्विच है, ये 2A स्विच लगाने से कैसे पैसे बचते हैं और किस तरह से इसके कनेक्शन करना चाहिए, एकदम सिंपल है। मैं अभी आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। क्या क्या चीज़ की जरूरत है, एक तो एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए जिसमें से सप्लाई अपन ले सकते हैं, उसके बाद में एक होल्डर और वायर चाहिए, इसको टेस्टिंग लैंप बोल सकते हैं अपन। एक एलईडी कोई भी लैंप चलेगा चेक करने के लिए, छोटा सा वायर चाहिए कलर के लिए, न्यूट्रल के लिए, और ये लाइव के लिए, फेस के लिए एक रेड कलर का वायर चाहिए। ये वायर कट करने के लिए एक स्ट्रिपर चाहिए, 2 2A स्विच लिया मैंने, एंकर कंपनी के ये 2A स्विच लिया मैंने, उसके बाद में एक स्क्रू ड्राइवर लिया और एक प्लायर लिया। तो दोस्तों, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अपन ये करके ये पैसे बचा सकते हैं। ये वायर है, उसको इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं। तो ये जो वायर है, इसको सेंटर से मैं कट कर लेता हूँ। ये दूसरा भी वायर मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया। दोस्तों, ये मैंने 4-4 फीट के वायर लिया है ताकि आपको डेमोस्ट्रेशन देने में आसानी हो। तो ये 4 पीस हो गए, तो एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए एक पीस हो गया, और ये भी एक फेज और न्यूट्रल के लिए एक हो गया। ठीक है, एक फेज न्यूट्रल के लिए, एक फेज न्यूट्रल के लिए। अभी क्या करते हैं, ये दोनों 2A स्विच है, तो दोनों 2A स्विच को खोल लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले में अपन फेज और न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे। तो देखिए, ये एंकर का सिंबल है, इसलिए इसको मैं ऊपर रखता हूँ। तो ये ऊपर है, तो ऊपर वाले एक पॉइंट में फेज वायर कनेक्ट कर देते। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। स्विच को भी वैसे ही कर देते, मतलब इस एक स्विच में एक फेज दे दिया, एक न्यूट्रल दे दिया, इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दे दिया, तो इस तरह से कर दिया। तो ये चारों चार वायर हो गए अपने पास, तो काला वाला न्यूट्रल है और रेड वाला फेज है। ठीक है, अभी एक होल्डर लेते हैं अपन। होल्डर ये मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट लैंप था, तो ये मेरा टेस्ट लैंप है, इसमें 2 पॉइंट है, तो ये मैंने दो वायर का कोई भी एक वायर ये सेंटर में जो जिसको मैंने बोला है उसके बीच वाले पॉइंट में लगा देते हैं। ये इसमें लगा दिया, और जो बचा है दूसरा इसमें लगा देते। ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होंगी, पर बहुत कम लोग इसको घर में यूज़ करते हैं, पर मैंने इसको यूज़ किया है और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सिंबल ऊपर है, इसका भी सिंबल ऊपर है। तो एक फेज न्यूट्रल हो गया, एक फेज न्यूट्रल हो गया, तो मैं इसमें लैंप लगा देता हूँ। एक एलईडी लैंप है मेरे घर में जो था, और दोनों को एक गार्ड मार लेता हूँ, इसे ये अलग अलग आसानी से पहचान सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसमें मैं जिस साइड में फेज है, देखिए इस साइड में फेज है, तो मैं इसमें रेड लगा रहा हूँ, जिस साइड में न्यूट्रल है मैं इसमें ब्लैक वाला लगा रहा हूँ। ये लग गए, इसमें फेज है तो मैं इसको फेज में इसे यहाँ पे लगा दूंगा, और ये न्यूट्रल है इसमें इधर लगा दूंगा। देखिए, रूम का ये पहला बोर्ड है, ये रूम का दूसरा बोर्ड है, तो ये दो बोर्ड को दर्शाने के लिए मैंने दिखाने के लिए इसको 1 नंबर लिखा, इसमें 2 नंबर लिखा। तो ये बोर्ड के साथ में ये पहली स्विच कनेक्ट है, दूसरे बोर्ड के साथ में दूसरी स्विच कनेक्ट है। तो ये दोनों स्विच के बीच में सिर्फ एक ही वायर को घूमती है, जैसे ये बोर्ड में एक स्विच लगी है उसे एक बार जाती है, ये होल्डर में लगती है, उसके बाद में दूसरी बार दूसरे बोर्ड में जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में 2 बार लगती है, तो मैंने एक ही बार से किया, ये एकदम सेफ है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको चालू किया, देख बल्ब चालू हो रहा है, यहाँ से मैं चालू करता हूँ, जैसे एंट्रेंस है यहाँ से चालू करता हूँ, जब मैं बेड पे जाऊँगा तो इसको बंद कर दूंगा, देखो बंद होती है, यहाँ से चालू बंद भी होती है और यहाँ से भी बंद चालू होती है। यदि इधर से चालू करते हैं तो इधर से बंद कर सकते हैं, मतलब एक नंबर से चालू करते हैं तो एक नंबर से बंद भी कर सकते हैं, एक नंबर से चालू भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर से बंद भी कर सकते, चालू भी कर सकते, ये सभी कर सकते। तो ये मैंने आपको डेमो दिखा दिया, जिस तरह से मैंने ये वायरिंग किया था उसका मैं एक डायग्राम आपको पेपर पर ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए, ये कनेक्शन का ये टाइप समझ लीजिए, इसको रेगुलर वायरिंग बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, दूसरे इसमें स्टेयरकेस वायरिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर है, तो मतलब जैसे रूटीन प्रैक्टिस है उसमें ये न्यूट्रल वायर डायरेक्ट होल्डर में जाता है, ये लैंप है, ये लैंप से होके ये दूसरे स्विच में आता है। जैसे ये 2-way स्विच बोर्ड नंबर 1 अपना जो रूम है, तो रूम का ये पहला बोर्ड है और ये रूम का ये दूसरा बोर्ड है, तो इस बीच में क्या होता है, ये पहले बोर्ड नंबर 1 से बोर्ड नंबर 2 में एक लैंप को कंट्रोल करने के लिए 2 वायर लेके जाना पड़ता है, मतलब 2 वायर बोर्ड 1 से बोर्ड 2 तक ये 2 वायर लेके जाना पड़ता है, उस समय ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये जो वायरिंग आप देख रहे हैं ये रेगुलर वायरिंग है, ये सबको मालूम है और इसी के बारे में अपने को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सभी इलेक्ट्रिशियन लोग करते हैं। तो ये दूसरा मैं आपको तरीका, मैंने इसका नाम दिया है सजेस्टेड वायरिंग में, क्या है, ये बोर्ड 1 है मतलब 2A स्विच बोर्ड 1 है और ये 2A स्विच बोर्ड नंबर 2 है, तो एक ही रूम के ये 2 बोर्ड है, तो इसमें ऊपर वाले जो पॉइंट्स है उसके टर्मिनल, उसको मैंने फेज दे दिया, नीचे वाले को न्यूट्रल दे दिया, इसको फेज दे दिया, उसको न्यूट्रल दे दिया। दोस्तों, फेज और न्यूट्रल स्विच में एक ही साथ देने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई शॉर्ट भी नहीं होता। तो देखिए, जैसे ये फेज है और इधर में फेज दे दिया, तो ये बोर्ड 1 से बोर्ड 2 में सिर्फ एक ही वायर रन हो रही, जैसे मैंने अभी वायरिंग करके आपको बताया, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो उसका सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाले पॉइंट से एक वायर निकलता है, ये लैंप में आता है, लैंप के बाद में ये दूसरे वाले स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में आता है, जिसे ये ऑपरेट होता है। तो इस तरह से करने से ये दोनों बोर्ड के बीच में जो लगने वाला वायर है वो वायर की सेविंग हो जाती है। तो वायर की सेविंग होती है, पैसे की ऐसी सेविंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। लीजिए, ये मेरी रूम है, मैंने एक आपको बताने के लिए बताया, ये जैसे एंट्रेंस है, मेरा रूम का एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास में ये बोर्ड है, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड है, तो मेन बोर्ड है, ये बोर्ड 1 बोलते हैं, मैंने इसको नाम बोर्ड 1 दिया है, और ये यहाँ पे मेरा बेड है तो ये बोर्ड 2 हो गया, और इन बिटवीन यहाँ पे एक फैन है, या एक ट्यूबलाइट है, एक एलईडी लैंप है 9 वाट का और 0.5 वाट का ये जियो बल्ब मतलब नाइट लैंप है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ मैं जब मैं सोता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो ये एक ही बोर्ड रहता है, एक ही बोर्ड से सभी चीज़ें मतलब फैन, ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब और नाइट लैंप को ऑपरेट करने के लिए एक ही बोर्ड दिया रहता, तो मुझे ये बेड में सोते समय कुछ भी चालू बंद करना रहा, फैन की स्पीड यदि कम ज़्यादा करना रहा, तो मुझे हर बार उठ के जाना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। तो हम आलस के कारण ये काम करते नहीं, ये जब यदि फैन की स्पीड 5 नंबर पर रहती है तो 5 नंबर पर रखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी के ये कनेक्शन 2A कनेक्शन, इधर मैं एक 3 स्विच लगा दिया, एक फैन के लिए, एक एलईडी बल्ब के लिए और एक नाइट लैंप के लिए, तो ये 3 स्विच यहाँ पे लगा दिया, उसी के 3 पैरेलल स्विच यहाँ पे लगा दिया। तो मेरी यहाँ ये बोर्ड 1 से बोर्ड 2 में सिर्फ मैं 3 ही वायर लेके गया,
नई वायरिंग जिस सजेस्टेड वायरिंग में जैसे मैंने किया तो तीन ही वायर लेके गया। यदि मैं दूसरे तरीके से यदि करता हूँ तो ये बोर्ड वन से बोर्ड टू में छह वायर लेके जाना पड़ता, तो इसमें मेरी वायर की बचत होगी। और यदि फैन की स्पीड कम ज्यादा करना है तो मैं इसी से कर लेता हूँ, ये बीट्स में सोते सोते फैन की स्पीड कम ज्यादा करता हूँ। इसमें मैंने रेगुलेटर थोड़ा अलग तरीके से लगाया जो कि इजी टू ऑपरेट हो, और मुझे आलस नहीं आता क्योंकि चालू करना है बंद करना है तो मैं बेड से बैठे बैठे और लेटे लेटे इसको चालू बंद कर लेता हूँ। तो ये अच्छा है, सभी लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, सभी के घर में होना चाहिए मेरी अपेक्षा है। दोस्तों आप ये कर सकते हैं, मैं अभी आपको रूम में लेके जाऊँगा। इसका नाम रखा है मैंने स्विच बोर्ड नंबर वन, ये एंट्रेंस में दिया है मैंने। इसका क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीन टू स्विच लगाया मैंने, एक फैन के लिए लगाया जो कि फैन 70 वाट का है, एक नाइट लैंप के लिए लगाया है, इसको 01 दिया है तो 0.5 वाट का नाइट लैंप यूज़ करता हूँ मैं। ये रेगुलरली एक बल्ब यूज़ करता हूँ, LED बल्ब है 9 वाट का, ट्यूबलाइट यूज़ करता हूँ 18 वाट का, ट्यूबलाइट 18 वाट का है, इसको मैं टू स्विच पे नहीं दिया इसलिए कि इसका मिनिमम यूज़ करता हूँ मैं। मुझे ज़्यादा रोशनी की जरूरत जब पड़ती है, जब पढ़ाई करता हूँ, क्लीनिंग करता हूँ, उस समय मैं ट्यूबलाइट यूज़ करता हूँ, इसको टू स्विच की जरूरत नहीं इसलिए मैंने टू स्विच पे नहीं डाला। तो इसमें लगने वाले जो वायर है, इसका इनकमिंग फेज और न्यूट्रल, मैंने इसी स्विच सॉकेट से लिया। ये स्विच सॉकेट मैं चार्जिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने देखो दोस्तों, ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर लगाया, इसको देख लो, मैं साइड व्यू दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इसको लगाया गया है। दोस्तों ये मेरा रेंटेड हाउस है, इसमें ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया, इसके जो बड़े वाला रेगुलेटर था उसके जो होल थे उसी में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। और इसका मार्किंग, इसमें मार्किंग नहीं थी तो मैंने मार्कर पेन से मार्किंग कर दिया ताकि आपको स्पीड का अंदाज़ा हो जाए। तो दोस्तों ये इसमें लगने वाला वायर, ये स्विच से दूसरे स्विच मतलब F1 से F2 में ले जाने के लिए दो वायर रन करना पड़ता है, तो मैंने एक ही वायर रन किया और इसकी इनकमिंग वायर मैंने इसी सॉकेट से लाया, तो एक फीट की वायर में मेरा काम हो गया। तो दोस्तों मैं ये जब भी रूम में एंट्रेंस करता हूँ तो उस समय यहाँ से चालू बंद करता हूँ। और दूसरा मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जब मैं उसमें जाता हूँ मेरे बेड के पास में जाता हूँ तो वहाँ से मैं बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, रेगुलेटर की स्पीड ऑपरेट करता हूँ, जिससे मिनिमम एफर्ट में ये काम हो जाता है। तो मैं दूसरा बोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका नाम दिया है मैंने स्विच बोर्ड नंबर टू, ये नियर बेड, मेरे नीचे मेरा बेड है, इसके पास में मैंने ये स्विच बोर्ड लगाया है। तो ये पहली बटन है F2 मतलब फैन के दूसरी बटन है, ये टू ए स्विच है ये, और ये O2 लिखा है मतलब जीरो लैंप है उसकी दूसरी स्विच है ये, और ये B मतलब रेगुलर बल्ब करता हो उसका, ये 9 वाट का बल्ब यूज़ करता हो। मैं एंट्रेंस से चालू कर देता हूँ, यहाँ आने के बाद जैसे मुझे कंफर्टेबल जैसे लगता है, जब बंद करना है तो यहाँ से बंद इजीली बंद कर सकता और ये 0 लैंप है जब मुझे जरूरत है यहाँ से चालू बंद करता ये फैन की रेगुलेटर, उधर से भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता मैं, इधर से भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता। उधर में आप एक रेगुलेटर लगा दिया मैंने, इधर में किस तरह से लगा देखो, नीचे में यस और एफ लिखा है, तो आप नीचे क्लोज व्यू देख लीजिए मैंने किस तरह से रेगुलेटर, या जगह कम थी इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे एक रेगुलेटर फिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं रेगुलेटर किस तरह से फिक्स कर दिया। ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए फिक्स किया क्योंकि मैं लेटे लेटे बैठे बैठे इसको मैं इजीली ऑपरेट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये स्लो फास्ट मैं यहीं से कर सकता हूँ। ये जो है इसमें मैं मोबाइल चार्जिंग करता हूँ जो कि मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें लगाता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे जो एक्सटेंशन बोर्ड की तरह मैंने इसको यूज़ किया है, तो ये मेरा ये मॉड्यूलर बोर्ड है। पहले जो बोर्ड दिखाया था बोर्ड वन वो पियानो टाइप स्विचेस थी और ये मॉड्यूलर। तो दोस्तों स्विचेस से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, पियानो हो या मॉड्यूलर हो, ये इस तरह से कनेक्शन करने से ये हो जाता है। तो मैं इधर से भी उसको चालू बंद कर सकता हूँ, उधर से भी चालू बंद कर सकता हूँ, तो ये चालू बंद हो जाता है। तो मैं आपको चालू बंद करके एक बार दिखा देता हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, ये बल्ब चालू करता हूँ और ये तीन चीज़ें चालू करता हूँ, ट्यूबलाइट चालू करता हूँ, मैं देखो फैन चालू करता हूँ, जीरो लैंप चालू करता हूँ, ये बल्ब चालू करता हूँ। देखिए किस तरह से लगाया मैंने, ये 0.5 वाट का नाइट लैंप है मेरा, ये 9 वाट का LED लैंप है और ये ट्यूबलाइट है 18 वाट का, ये ऊपर में 70 वाट का फैन है। तो इसको मैं यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, वहाँ जाने के बाद इसको बंद कर देता हूँ। तो ये दोस्तों ये वायरिंग के बारे में कुछ नया नहीं है, कुछ इन्वेंशन नहीं है, ये सभी को मालूम है, पर बहुत कम लोग इसको इस वायरिंग को अपने घर में यूज़ करते हैं। मैं अपने घर में इस वायरिंग को हर रूम में यूज़ करता हूँ और ये कंफर्टेबल है, मतलब यहाँ से जैसे मैं रूम में इंटर करता हूँ तो उस समय चालू करता हूँ, स्विचेस को ऑपरेट करता हूँ, और बेड में जाने के बाद जब मैं लेटे रहता हूँ सोता हूँ तो उस समय वहीं से रेगुलेटर से फैन की स्पीड कम ज़्यादा करता हूँ, नाइट लैम्प बल्ब जो भी है मुझे ऑपरेट करना है वो ऑपरेट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, यदि फैन की स्पीड 5 नंबर पर रहती है और अपन आलस करते हैं कि उसको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये इस तरह से वायरिंग करने से ये अच्छा हो जाएगा और अपनी सेविंग भी हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक सेविंग हो जाएगी और वायर भी सेविंग हो जाएगी। दोस्तों इसमें वायर कम लगता है इसीलिए ये अपन ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं अपने घर में करता हूँ, जहाँ पे मैं बैठता हूँ तो सोफे पे बैठता हूँ तो सोफे से मेरी TV सेट टॉप बॉक्स फैन सभी चीज़ें मैं इजीली ऑपरेट करता हूँ। जैसे कूलर है तो मैं जैसे सोफे पे बैठता हूँ या मतलब बेड पे रहता हूँ तो वहाँ से कूलर को ऑपरेट करता हूँ, चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, फैन की मोटर स्पीड कम ज़्यादा सभी चीज़ें मैं बैठे बैठे कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, स्पीड कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मोटर को चालू करना है, बंद करना है, वो ईजी वे में ऑपरेट कर लेता हूँ, इसलिए ये अपनी इलेक्ट्रिक सेविंग हो जाती है और वायर कम लगता है इसलिए भी अपने पैसे बच जाते हैं और अपन कम वायर में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी ये अपेक्षा है कि आप
ये अपने घर में कीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए आते रहूँगा। थैंक यू।